दिस इज अविनाश फ्रॉम एरोंस इंडिया। आज हम बात करेंगे SG1203U मिक्सर के बारे में। SG1203U का बैक पैनल, पावर सॉकेट, पावर ऑन ऑफ स्विच, PC2 मिक्सर कनेक्शन करने के लिए USB जैक, लेफ्ट और राइट मेन XLR आउटपुट, चैनल 1 टू चैनल 12 तक कॉम्बी जैक इनपुट। SG1203U की चैनल नंबर 1 फैंटम पावर LED इंडिकेटर, फैंटम पावर ऑन ऑफ स्विच, पिक सिग्नल LED इंडिकेटर, गेन नॉब, पैड स्विच। पैड स्विच को प्रेस करने पर 20 dB गेन डाउन हो जाता है। ये 3-band EQ, हाई मिड लो का नॉब, ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 3 का नॉब, इफेक्ट का नॉब, पैन का नॉब, सोलो बटन और म्यूट बटन। चैनल नंबर 1 टू चैनल नंबर 12 तक सेमी फंक्शन है। 13-14 नंबर स्टीरियो चैनल, इसका लेफ्ट और राइट स्टीरियो इनपुट जो कि P38 जैक में है। यह है स्टेरियो और MP3 सिलेक्शन करने के लिए स्विच। यह है उसका गेन नॉब। यह है पीक सिग्नल LED इंडिकेटर। बाकी सेम ही फंक्शन चैनल 1 टू 12 की तरह ही है। यह है चैनल 1 का फेडर। इसका साइज 100 mm है और काफ़ी स्मूथ भी है। फेड का फेडर, ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3 का फेडर, लेफ्ट और राइट मेन फेडर। यह है लेफ्ट और राइट मेन चैनल का ग्राफिकल इक्वलाइजर। इसको ऑन करने के लिए EQ ऑन का बटन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप इक्वलाइजर आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। रिटर्न नॉब, इफेक्ट टू ऑक्स 1 का नॉब, इफेक्ट टू ऑक्स 2 का नॉब, फोन नॉब, मेन सिग्नल LED इंडिकेटर, इफेक्ट सेक्शन। इसमें 16 डिजिटल इफेक्ट्स है। यह इसका प्रोग्राम नॉब, यह इसका डिस्प्ले, ये पैरामीटर नॉब। प्रोग्राम की नॉब को घुमा के आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम नॉब को प्रेस करना पड़ेगा। यह है सबवूफर ट्यून करने के लिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन नॉब। सबवूफर का फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए है और यह गेन के लिए है। मल्टीमीडिया सेक्शन, इसमें USB, ब्लूटूथ, रिकॉर्डिंग और PC कनेक्ट कर सकते हैं। यह इसका प्रोग्राम नॉब, मोड सिलेक्शन स्विच। USB यूज करने के लिए आपको पेन ड्राइव को USB स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये इसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। प्रोग्राम नॉब को घुमा के आप ट्रैक को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। प्रोग्राम नॉब को एक बार प्रेस करने पर ट्रैक को पॉज हो जाता है, दोबारा प्रेस करने पर ट्रैक प्ले हो जाता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको मोड सिलेक्शन बटन को प्रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम नॉब को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग को पॉज करने के लिए प्रोग्राम नॉब को आपको प्रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग को फिर से चालू करने के लिए आपको दोबारा प्रोग्राम नॉब को प्रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए आपको मोड बटन को प्रेस करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी स्टोर हो गया है और उसको आप प्ले भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए पहले आपको ये मोड बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये से ब्लूटूथ लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल का ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद अवेलेबल डिवाइस में WN ऑडियो लिख के आ जाएगा। उसके साथ आपको पेयरिंग करना है। यह भी इसके साथ पेयर हो गया और कनेक्ट भी हो गया। कनेक्ट होने के बाद ये ऐसा डिस्क का सिंबल आ जाएगा। अभी आप जो भी गाना प्ले करना चाहते हैं प्ले कर सकते हैं। मिक्सर को PC से कनेक्ट करने के लिए आपको ये USB to USB चाहिए। इसका वन साइड आप मिक्सर की USB पोर्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा और दूसरा साइड
लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये पीसी लिख के आ जाएगा। उसके बाद लैपटॉप की ऑडियो डिवाइस सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। ऑडियो डिवाइस सिलेक्शन में जाके आप यूएसबी 2.0 डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अभी जो भी गाना प्ले करेंगे वो मिक्सर में प्ले हो जाएगा। मेन लेफ्ट और राइट P38 जैक आउटपुट, सबवूफर आउट, रिटर्न ऑक्स आउट, ऑक्स टू ऑक्स थ्री का आउट, फोन जैक, लेफ्ट और राइट रिकॉर्डिंग का आउट। तो चलिए अभी SG-1203U का साउंड चेक करते हैं। तो ये है माइक, तो ही माइक टेस्ट करते। हेलो, हे माइक चेक 1 2 1 2 1 2। हेलो हेलो हेलो। तो ये अभी मैंने जो साउंड चेक किया विदाउट इफेक्ट किया, तो अभी हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हेलो हे माइक चेक 1 2 1 2। हेलो हे माइक चेक 1 2। तो अभी मैंने 8 नंबर इफेक्ट यूज किया था, तो यही था माइक टेस्ट। तो चलिए अभी हम पेन ड्राइव से मिक्सर टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने पेन ड्राइव लगा दिया है, तो अभी साउंड चेक स्टार्ट करते हैं। Down and read it out, hoping it would save me. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।